गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री, टॉपिक इज इमर्जेंस ऑफ इस्लाम एंड इट्स अराइवल इन इंडिया। फर्स्ट इस टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ हार्मनीज लिविंग, सामंजस्यपूर्ण जीवन के उस समय क्या क्या लाभ या बेनिफिट थे। बाहर से आने वाले ये लोग अपने साथ अपने यहाँ के रीति रिवाज, धर्म, ये सब तो लाए थे, साथ में ही अपने साथ शिल्प, कारीगरी, पहनावा, जो जिस तरीके से उनका पहनने का सेंस था, खाने पीने का तरीका, ये तौर तरीके भी यहाँ पर वो अपने साथ लेकर आए थे। उनके साथ उठने बैठने, मिलने जुलने से भारत के लोगों में भी उनकी कई बातें सीखी और अपनाई। इससे भारत के लोगों के रहन सहन तथा जीवन में कई बदलाव आए। साथ साथ उन्होंने भारत के विषय में जानकारी भी प्राप्त की। अरबों ने भारत की हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना सीखा। उन्होंने भारत से संख्याओं की गणना करना सीखा, जिससे उन्हें ज्योतिष और गणित का भी ज्ञान हुआ। उन्हें शतरंज का खेल, संगीत, चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त हुआ। अरबों ने कई संस्कृत ग्रंथों की अरबी भाषा में अनुवाद भी किए। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एट द टाइम ऑफ टर्किश इन्वेंशन, तुर्क आक्रमण के समय भारत कैसा था जब तुर्कों का आक्रमण भारत पर हुआ। उत्तर भारत में इस्लाम धर्म के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत पर 100 से भी अधिक छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों में विभक्त हो चुका था, जिन पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। इनमें अधिकांशतः राजपूत थे, अतः इस युग को राजपूत युग के नाम से भी जाना जाता है। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत राजपूत कहलाते थे। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु अपना राज्य को एक्सटेंशन करने में हमेशा लगे रहते थे। इनके रिजल्ट राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ने लगी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनकी आर्थिक जो राजनीतिक अर्थव्यवस्थाएं थी वो अव्यवस्थित हो गई। ऐसे में जो सेंट्रल पावर थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, उसका डिक्लाइन होने लगा। समाज जाति पाति भेदभाव के बंधन पर आधारित होने लगा। उस समय जाति व्यवस्था थी और अधिक कठोरता से थी। भारतीय समाज अपने अपने खान पान एवं आचार विचारों को श्रेष्ठ समझता था, अतः दूसरे देशों में क्या हो रहा है इससे उसको परिचित होने का उसने कभी भी प्रयास नहीं किया और ना ही उसका कभी लाभ उठाया।